लेकिन चलिए इस बीच एक और कंपनी के मैनेजमेंट से उनके कारोबार विस्तार और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करनी है। सितंबर तिमाही में सिग्नेटी टेक्नोलॉजीज ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। कंपनी की आय करीब 17% बढ़कर 308 करोड़ रही है, जबकि मुनाफे में 7% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिग्नेटी टेक के CFO कृष्णन वेंकटचारी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, ओवरऑल नंबर्स जो हैं काफी अच्छे नजर आ रहे हैं रेवेन्यूज के फ्रंट पर, मार्जिन्स के फ्रंट पर। इस परफॉर्मेंस के पीछे की वजह कैसी रही और क्या रही और आगे चलकर कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। हम लोग ने एक क्वार्टर ने अच्छा प्रतिशत नंबर, अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस किया। $42 मिलियन US के हिसाब से कंपेयरिंग टू 36 मिलियन ऑफ लास्ट क्वार्टर, 16% ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। द मार्जिन के हिसाब से एबिटा ने, नॉर्मल एबिटा ऑपरेशन के हिसाब से 13.5% था। एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंसेंटिव का नोटिफिकेशन जो आया 27 सितंबर 1920 का रिलेटेड है, उसका नोटिफिकेशन जो लेट आया उसमें कैप कर दिया ना गवर्नमेंट ने इंसेंटिव को, उसके हिसाब से जो भी रिकॉग्नाइज हो उसमें 10 करोड़ तो रिवर्स करना पड़ रहा, उसके वास्ते वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के हिसाब से मार्जिन ने नीचे आया, नहीं तो 10% तक पैट आता, 13.5% तक एबिटा आता। आगे का आगे चलने के लिए बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छा चल रहा, अच्छे से अच्छा ऑफरिंग्स के हिसाब से बहुत ऑर्डर भी मिल रहा, ऑर्डर बुक भी अच्छा है। हम लोगों को लग रहा है कि लास्ट 3 साल में हम लोग 8% का टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन तो मेंटेन करके आ रहे हैं। वही हिसाब से अगर ये साल में हम लोग तो सोच रहे दिख रहा है कि अभी का रन रेट के हिसाब से लग रहा है कि लगभग परसेंटेज का ग्रोथ होगा, 30% तक, 25-30% तक होगा। अच्छा प्रत्यक्ष चल रहा, वी आर कॉन्फिडेंट है हम लोग अच्छा करते हुए। बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते हैं और हमारी भी बेस्ट विशेष है कि परफॉर्मेंस आगे भी अच्छी जाती हुई दिखे। वर्टिकल्स और सेगमेंट्स की मैं बात करना चाहूंगी, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कौन से वर्टिकल्स आपको प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और परफॉर्मेंस कौन से वर्टिकल्स की तरफ से ज्यादा अच्छे आती हुई दिख सकती है? रिटेल वर्टिकल में हम लोगों को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा, रिटेल और हेल्थ केयर वर्टिकल में आ रहा। और एक्साइटिंग न्यूज क्या है बोले तो हेल्थ केयर सेक्टर ने रिवर्स हो गया हमारा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के हिसाब से। लार्ज साइज कॉन्ट्रैक्ट हम लोग रिन्यूअल करके लेके आया अभी, तो अभी के हिसाब से देखे तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी भी रिवर्स होता, मगर लीडर रहता कि रिटेल और हेल्थ केयर सेक्टर दोनों में हम लोगों का अच्छा प्रतिशत चल रहा। श्योर थिंग। जियोग्राफिकली कौन से रीजन्स हैं जहां से परफॉर्मेंस बेहतर रही है और आगे भी आपकी उम्मीदें कौन से रीजन से ज्यादा है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो पूरा 85% का बिजनेस तो आ रहा US और कनाडा से, वो कंटिन्यू रहेगा, क्यों बोले तो फर्टाइल एरिया है। बाकी का UK मार्केट से हम लोग को 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा, बाकी 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हम लोग एक ज़ेकोस्लोवाकिया का ऑफिस एक खोला UK में, नियर शोर सेंटर के हिसाब से, और लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का एक ऑर्डर जीता, उसके वास्ते वो रीजन थोड़ा टिल्ट होता, मगर US का फोकस तो हमारा US में ही ज्यादा रहता, क्यों बोले तो US में बहुत सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत है उसमें। ड्यूरिंग द क्वार्टर आपके डील विंस और क्लाइंट एडिशंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग तो 16 क्लाइंट्स ने जीता, 16 क्लाइंट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन अ न्यू क्लाइंट एडिशन व्हिच हैज कम इनटू द क्वार्टर 16। उसमें से मल्टी मिलियन डॉलर अकाउंट से एक 4 अकाउंट से मल्टी मिलियन डॉलर मल्टी ईयर डील है, बाकी 12 तो द साइज हैज बीन बिटवीन 600,000 टू अबाउट 1.8 मिलियन तक है, वो भी 12 महीने से 18 महीने का आया। ये हिसाब से और पाइपलाइन भी ज्यादा है हम लोग को कन्वर्ट होने के लिए, कॉन्फिडेंट है हम लोग। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आपका ग्रोथ आउटलुक और आगे चलकर क्या, या इस फाइनेंशियल ईयर में क्या आप कोई एक्विजिशंस प्लान कर रहे हैं? हम लोग तो पहले ही प्लान दे दिया कि 4 साल में हम लोग 500 मिलियन तक पहुंचने का है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिलके है। ऑर्गेनिक का टारगेट है 4 साल में 350 मिलियन जाने का, और इनऑर्गेनिक भी 100% प्राइस करना चाहिए। इनऑर्गेनिक का जो है हम लोग तो देख रहे, जो जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके नजदीक आ रहे तो बोर्ड का अप्रूवल होने के बाद एक्सचेंज के हिसाब से यूनिफॉर्म हम लोग देते हैं इंफॉर्मेशन, वो
कंपनी के हिसाब से है, अट्रैक्शन के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफरिंग, मार्केट साइज, उसके हिसाब से रहता है उसका टाइमलाइन। हम लोग तो रेडी है, टाइमलाइन तो नहीं है, हम लोग तो इवैल्यूएट तो कर रहे हैं पक्का, रोज का मामले में हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग ओवर देयर। ऑयल इट इज सर्व ऑर्गेनिकली आपको ग्रोथ देखे तो 4 साल में 350 मिलियन बोले तो ये साल में ही आपका रन रेट के हिसाब से देखे तो 20-30% का आगे दिख रहा है ईयर में, और रन रेट मार्च में 15 मिलियन तक रहेगा, तो सो दैट नेक्स्ट ईयर में ऑर्गेनिकली हम लोग 200 मिलियन का रेवेन्यू तो जाने का किधर भी असर नहीं लग रहा, हम लोग को अच्छा लग रहा। बिल्कुल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर सिग्निटी टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए, 568 के लेवल्स पर स्टॉक प्राइस ट्रेड करता हुआ। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।